हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि यूस्टेशियन ट्यूब क्या है। तो ये जो है ना, वो ट्यूब है, वो कनेक्ट करती है किसको? तो कि मिडिल ईयर के एंटीरियर वॉल को लेटरल वॉल ऑफ नेसोफेरिंग्स से कनेक्ट करती है। ये जो ट्यूब है ना, वो कौन कौन से पार्ट को कनेक्ट करती है? तो कि एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर, एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर को किससे कनेक्ट करती है? तो कि लेटरल वॉल ऑफ नेसोफेरिंक्स से। ठीक है, ये जो ट्यूब है वो एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर को लेटरल वॉल ऑफ नेसोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। तो इस ट्यूब की मदद से हमारे ईयर का एंड फेरिंग्स का कनेक्शन होगा। तो ये करने की क्या ज़रूरत थी? कुछ फंक्शंस हो गए, कुछ करती होगी ये ट्यूब, तो ही ये कनेक्शन बनाया होगा ना भगवान ने। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है? तो थ्री मेन फंक्शन है इसका। इसके सबसे पहला है वेंटिलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिडल ईयर प्रेशर, प्रेशर को रेगुलेट करती है ये। फिर दूसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन, उसके बाद है क्लियरेंस ऑफ मिडल ईयर सिक्रीशंस, मिडल ईयर में जो सिक्रीशंस बनेंगे उसको क्लियर करेगी। ठीक है, ये थ्री मेन फंक्शन है, इसको डिटेल में हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये फंक्शन देखते हैं कि वेंटिलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिडल ईयर प्रेशर। अब ये जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ना, उसमें टू पार्ट होते हैं, बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजियस पार्ट। तो हमें रफ डायग्राम बना रही हूँ इसका, कि ये क्या है हमारी एक्सटर्नल ऑडरी कैनाल। ठीक है, फिर इस तरह से ये कुछ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, फिर ये हमारा मिडल ईयर है इस तरह से कुछ, एंड ये जो है ना, ये हमारी यूस्टेशियन ट्यूब है। ये मिडल ईयर में यहाँ पे हो गए मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। फिर यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब का इतना जो पार्ट है ना, वो बोनी पार्ट है, एंड फिर इतना जो पार्ट है वो यहाँ पे वो फेरिंग्स में खुलेंगी ना। यूस्टेशियन ट्यूब है, ये यहाँ पे फेरिंग्स में खुलेगी। ये मिडल ईयर की एंटीरियर वॉल होगी, मिडल ईयर के एंटीरियर वॉल को वो फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करेगी। ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है, ये यूस्टेशियन ट्यूब के टू पार्ट्स हो गए, बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजिनस पार्ट। ठीक है, तो क्या है कि नॉर्मल हियरिंग के लिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड मतलब कि ये एक्सटर्नल ईयर है वहाँ पे, एंड ये जो मिडल ईयर है वहाँ पे, दोनों साइड प्रेशर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पे हो गया ना तो नहीं चलता। हम बेराटोमा देखेंगे, कभी एक वीडियो बनाऊंगी मैं बेराटोमा के ऊपर, उसमें यही होता है कि ये प्रेशर अनइक्वल होता है, इसकी वजह से ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के रप्चर होने के चांसेस है। बट नॉर्मल हियरिंग के लिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है तो वो मेंटेन कैसे होगा? तो ये जो यूस्टेशियन ट्यूब होगी ना, वो ओपन होगी पीरियोडिकली, मतलब कि अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया प्रेशर, तो यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होगी, एंड ये प्रेशर कहाँ पे रिलीज हो जाएगा? फेरिंग्स में। ठीक है, अगर नेगेटिव हो गया तो भी ऐसा ही होगा, ये यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होगी एंड ये प्रेशर मेंटेन होगा। तो नॉर्मल हियरिंग के लिए टिम्पनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हियरिंग में अफेक्ट कर सकता है। तो ये प्रेशर को दोनों साइड इक्वल करने के लिए हेल्प कौन करता है? यूस्टेशियन ट्यूब, ये ओपन होती रहती है पीरियोडिकली एंड प्रेशर को मेंटेन करती है। ठीक है, वेंटिलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिडल ईयर प्रेशर, इस तरह से ये मिडल ईयर के प्रेशर को रेगुलेट करती है, एंड यहाँ से एयर आती जाती रहेगी ना, तो मिडल ईयर का वेंटिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो यूस्टेशियन ट्यूब है ना, वो क्लोज रहती है। नॉर्मली यूस्टेशियन ट्यूब क्लोज रहती है, एंड इंटरमिडेंटली ओपन कब होती है? ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, योनिंग या स्नीजिंग के टाइम पे ये ओपन होती है। फिर ट्यूब का जो ओपनिंग है ना, उसका फंक्शन लेस एफिशिएंट कब होता है? तो कि स्लीप के टाइम पे ये जो ओपन होने का फंक्शन है ना, वो लेस एफिशिएंट होता है। फिर जो इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस है ना, उसमें ये ट्यूब का फंक्शन पुअर होता है, इसकी वजह से ईयर के जो प्रॉब्लम्स है वो मोर कॉमन होते हैं उन लोगों में, उस एज में 7 to 10 ईयर में।
7 to 10 ईयर के जो चाइल्ड्स होते हैं ना, उसमें ये जो ट्यूब का फंक्शन है वो इतना अच्छे से नहीं डेवलप हुआ होता है, तो जो मिडिल ईयर के जो डिसीज़ है ना वो मोर कॉमन है उन लोगों में। अब सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो अब आप ये सोचेंगे कि यूस्टेशियन ट्यूब क्या प्रोटेक्ट कर सकती है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यूस्टेशियन ट्यूब एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर टू लेटर वॉल ऑफ नेसोफेरिंग्स को कनेक्ट करती है। अब नेसोफेरिंग्स में क्या होगा कि अगर हमारा जो साउंड प्रोडक्शन होता है ना, तो साउंड प्रोडक्शन में अगर साउंड का प्रेशर ज़्यादा हुआ, साउंड की वजह से प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो क्या है कि हाई साउंड प्रेशर, हाई साउंड प्रेशर हुआ नेसोफेरिंग्स में, तो क्या होगा कि नेसोफेरिंग्स में जो हाई प्रेशर है वो ट्रांसमिट कहाँ पे होगा, मिडिल ईयर में, है ना। यूस्टेशियन ट्यूब अगर ओपन रहेगी तो वो जो हाई प्रेशर है वो मिडिल ईयर में ट्रांसमिट हो जाएगा एंड वो नॉर्मल हियरिंग में इंटरफियर कर सकता है। इसलिए क्या है कि यूस्टेशियन ट्यूब नॉर्मली क्लोज रहती है एंड इस तरह से ये जो लाउड साउंड है उसके अगेंस्ट में मिडिल ईयर को प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहला ये हो गया कि यूस्टेशियन ट्यूब नॉर्मली क्लोज रहे के जो हाई साउंड है उससे प्रोटेक्ट करती है मिडिल ईयर को, ठीक है। फर्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। अब सेकेंड प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है कि यूस्टेशियन ट्यूब ये नेसोफेरिंग्स में जो सिक्रेशन हो गए ना, रिफ्लक्स नेसोफेरिंजियल सिक्रेशंस हो गए जो, उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। ये नॉर्मली क्लोज रहेगी इसलिए नेसोफेरिंग्स में फेरिंग्स में जो सिक्रेशन रहेंगे वो मिडिल ईयर में एंटर नहीं होंगे, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब क्लोज रह के टू प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है, कौन से, जो कि सबसे पहला कि लाउड साउंड से प्रोटेक्ट करती है एंड दूसरा है कि जो नेसोफेरिंग्स के सिक्रेशन है उससे भी प्रोटेक्ट करती है। अब क्या है कि अब अगर ट्यूब है वो वाइड होगी, ये ट्यूब वाइड होगी एंड लेंथ इसकी शॉर्ट होगी, इन्फेंट्स में ऐसा होता है, तो ये सिक्रेशन इसमें एंटर होने के चांसेस है। इस सिक्रेशन बहुत सारे यहाँ पे एंटर हो जाएंगे तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन होने के भी चांसेस है। अब क्या है कि नेसोफेरिंग्स का जो हाई प्रेशर होगा ना, वो जो सिक्रेशन हमने दो बात की आगे कि साउंड का हाई प्रेशर होता है नेसोफेरिंग्स में, सिक्रेशन भी होते हैं उसमें ही, क्या होता है कि नेसोफेरिंग्स का जो हाई प्रेशर हो गए ना, नेसोफेरिंग्स का जो हाई प्रेशर होगा ना वो उसके सिक्रेशन को मिडिल ईयर में जाने के लिए फोर्स करेगा। ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो कि क्लोज नोज स्वॉलोइंग, जिस जैसे कि एडिनोइड्स में एंड बायलेटरल नेसल ऑब्स्ट्रक्शन में। फिर थर्ड फंक्शन है क्लियरेंस ऑफ मिडिल ईयर सिक्रेशन। ये किस तरह से होता है कि जो यूस्टेशियन ट्यूब है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है एंड ये एंड मिडिल ईयर के एंटीरियर पार्ट जो होगा उसका जो लाइनिंग है वो दोनों का लाइनिंग सीलिएटेड कोलमनर सेल्स होता है, सीलिएटेड कोलमनर सेल्स होता है। इसके जो सीलिया होते हैं ना उसका डायरेक्शन नेसोफेरिंग्स के साइड होता है, इसकी वजह से क्या होगा, सीलिया का डायरेक्शन नेसोफेरिंग्स के साइड होगा तो यहाँ पे जो भी कचरा टाइप जो भी होगा, डेब्रिस जो भी होगा, सिक्रीशन एंड ऑल, ये सीलिया की वजह से किस तरफ से डायरेक्ट होंगे, फेरिंग्स की तरफ। इस तरह से मिडिल ईयर के जो भी सिक्रेशन होगा, जो भी डेब्रिस होगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, नेसोफेरिंग्स में चला जाएगा, ठीक है। ये क्लियरेंस जो फंक्शन है वो फर्दर हमें ऑगमेंटेड करना हो तो हम यूस्टेशियन ट्यूब का एक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है ये 3 फंक्शन के बारे में। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टा में या ईमेल में कहीं भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।